हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोयम, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। पोएट इज पीटर डिक्सन, इंग्लिश रीडर, थर्ड क्लास 8। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सभी शिक्षक कहाँ चले जाते हैं? फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल, एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक बहुत ही विशेष होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही कठिन होता है कि वह यह सोच सके कि उनका जो अध्यापक है बहुत ही सामान्य आदमी है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? जब घड़ी में 4 बजते हैं तो सभी शिक्षक कहाँ चले जाते हैं? Do they live in houses? क्या वे घरों में रहते हैं? And do they wash their socks? और क्या वे अपने मोजे धोते हैं? Do they wear pajamas? क्या वे पायजामा पहनते हैं? And do they watch TV? और क्या वे टीवी देखते हैं? And do they pick their noses? और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं? The same as you and me, और जिस प्रकार मैं और तुम करते हैं। Do they live with other people? क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं? Have they moms and dads? क्या उनके मम्मी पापा हैं? And were they ever children? क्या वे कभी बच्चे थे? And were they ever bad? क्या वे कभी बुरे भी थे? Did they ever never spell right? क्या उन्होंने कभी बर्तनी गलत नहीं लिखी? Did they ever make mistakes? क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं की? Were they punished in the corner? क्या कभी उनको कॉर्नर में सजा मिली थी? If they pinched the chocolate flakes? जब उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियां चुराई थी? Did they ever lose their hymn books? क्या उन्होंने कभी अपनी पवित्र किताबें खोई थी? Did they ever leave their greens? क्या उन्होंने कभी सब्जियां छोड़ी थी? Did they scribble on the desktops? क्या उन्होंने कभी डेस्कटॉप पर लिखा था, माने डेस्क के ऊपर लिखा था? Did they wear dirty jeans? क्या उन्होंने कभी गंदी जींस पहनी थी? I will follow one back home today. मैं आज उनमें से एक का पीछा करूंगा। I will find out what they do. और यह पता करूंगा कि वे क्या करते हैं। Then I will put it in a poem. तब मैं उसको एक कविता में रखूंगा या लिखूंगा। That they can read to you. जिससे कि वे तुम्हें पढ़ के सुना सकें। Thanks for watching. Have a nice day.